दोस्तों कैसे हो। आज हम बात करेंगे जिस वैकेंसी की, वो आई है इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर स्किल्ड आर्टिसियन की पोस्ट है, तो आज इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आएँ। और दोस्तों आज एक क्विज क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वैकेंसी के कम्प्लीट डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट्स के उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्पेसिफाइड नहीं है और पोस्ट का नाम है स्किल्ड आर्टिसन, जिससे कि मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ, टायर मैन, पेंटर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर एंड ज्वाइनर के पद हैं। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 8वीं पास विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। यानी कि दोस्तों आपको इस वैकेंसी के लिए 8वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ ही आपके पास ये सारे ट्रेड्स में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 18 से 30 साल। पे स्केल मिलता है 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक, साथ ही ग्रेड पे मिलता है 1900 रुपए का। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन बेस्ड ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू पर। जॉब लोकेशन आपकी कोलकाता रहेगी। और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। आपको सिंपली इस पेज पर आना है, सारे डिटेल्स को पढ़कर अप्लाई कर देना है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, आपको CV में यानी कि बायोडाटा में ये सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं और इस एड्रेस पे भेज देना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने का डेट है 11 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, और आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।